Clash of Clans. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में, एक और नए वीडियो में। गाइस, ये वीडियो कोई अटैकिंग या फिर कोई ऐसी वीडियोस नहीं होने वाली है। मैं आज एक ऐसे बेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो टाउन हॉल 11 है, लेकिन उसके पास आर्चर क्वीन नहीं है। आई थिंक सो वो एक इंजीनियर बेस है, लेकिन जब मैंने उसका बेस चेकआउट किया तो इंजीनियर बेस जैसा कुछ लगा ही नहीं। तो आई थिंक सो उस बंदे ने हैकिंग की है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस देखते हैं उसका बेस। मैंने उसको उसके बेस के ऊपर हाल ही में अटैक किया था। ये रहा विजिट। तो गाइस ये है उसका बेस। आपको देखने में तो एकदम नॉर्मल बेस लग रहा होगा, और गाइस ये आई थिंक सो इंजीनियर बेस होता तो फिर इसके पास, अगर ये इंजीनियर बेस होता तो इंजीनियरिंग तो आपको पता है कैसी होती है, तो इसके पास ईगल आर्टिलरी नहीं होता। इंजीनियर बेस सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, इंजीनियर बेस का मतलब वो होता है सिर्फ टाउन हॉल अपग्रेड करना, हीरोज अपग्रेड करना और ट्रूप्स। और जब आप वॉर में अटैक करने जाओगे तो आपको लो टाउन हॉल्स मिलना और आपको उस पर ईजिली 3 स्टार करना, उसे इंजीनियर बेस कहते हैं और इंजीनियर टैक्टिक्स कहते हैं। तो हीरोज तो होने चाहिए अगर इंजीनियर बेस है तो, लेकिन आपको किधर भी आर्चर क्वीन नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ बाबेरियन किंग दिखेगा जो कि है इधर, और बाकी कोई नहीं दिखेगा। आप इसके प्रोफाइल में जाकर चेक कर दीजिए, आर्चर क्वीन नहीं है इसके पास, नहीं है। और गाइस लगता है कि ये अभी ही टाउन हॉल 11 आया है, तो इसके पास आर्चर क्वीन होनी चाहिए। इसका बेस देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो भाई बहुत पहले से है, अभी का नहीं है, लेकिन नहीं गाइस, अगर ये पहले से होता तो ऐसा बेस नहीं होता। और ये अभी तो फ़िलहाल जब मैं अटैक करने गया था तभी तो ये था, ऑनलाइन था, इधर क्रिस्टल टाइट वो लीग पे था, क्रिस्टल 3 लीग पे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन का वो दिखा रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं गाइस कि इसके पास आर्चर क्वीन नहीं है। जब मैंने देखा कि मतलब आप बोलोगे मतलब जब मैंने देखा तब मुझे भी हैरानी हुई कि मतलब ये है क्या, चल क्या रहा है। मैं आपको एक बार अटैक भी दिखा लेता हूँ। अटैक में भी जब 4x स्पीड में देख लेते हैं। देखिए जब मैं मतलब देख रहा था कि भाई इसकी आर्चर क्वीन किधर है, आर्चर क्वीन किधर है, मुझे दिखी नहीं, तो मुझे लगा इसकी अपग्रेडिंग के लोग, क्योंकि मुझे आर्चर क्वीन का वो रहने का जगह मतलब वो बिल्डिंग भी नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि भाई ये हैकिंग है, हैकिंग है ये। क्योंकि अगर ये हैकिंग नहीं होती तो इसके पास, अगर ये इंजीनियर होता, इंजीनियरिंग ही ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हो तो ही, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस अगर इंजीनियर होता तो ये सब ये अपग्रेड क्यों करता। तो आई थिंक सो ये एक तरह की हैकिंग है। और अगर आप इंजीनियर हो और आप क्रिस्टल लीग में हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, मैं कहूँगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो गाइस आपने देखा कि ये कैसे हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने इस बेस को विजिट किया तो मुझे लगा बाप रे भाई साहब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया तभी कि भाई ये क्या है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। तो मतलब मैं अभी सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ऐसे बेसेस होते हैं अभी भी। अब अगर आपको पता है तो प्लीज़ बोलना कि ये क्या है,
कैसे हो रहा है, या फिर ये कोई हैकिंग है, या फिर एक तरह का ग्लिच है। ग्लिच तो नहीं हो सकता, अगर ग्लिच होता तो मतलब मैंने इस पे 3-4 घंटे पहले अटैक किया था तो अब तक तो ये ग्लिच ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक है। इसका मतलब ये कोई हैकिंग ही हो सकती है, ये हैकिंग के सिवा ऐसा सब तो नहीं हो सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो गाइज अगर आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूँ कि इसके पीछे का राज क्या है। तो अब तक के लिए तो इतना ही, इस वीडियो के लिए तो इतना ही है। बस मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको ऐसा कोई भी बेस दिखे तो प्लीज़ मुझे बताना वीडियो में कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए और देखते रहिए प्रीत 024।